चूँकि मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया रहा है पास्ट में भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट ईयर भी आपने देखा कि एक छोटी सी घटना भी यहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड हुई थी। हमारा एंटी मिलिटेंसी ग्रिड जो है इस पर लगातार काम करता रहता है, और इसी बीच में एक इन्फॉर्मेशन ऐसी डेवलप हुई कि चिटियारी जो एरिया है हमारे पुलिस पोस्ट चिंगस और पुलिस स्टेशन रजौरी का एरिया है, वहाँ पर कोई आम एमोशन की ताक में कुछ लोग थे शायद जिनकी नॉलेज में ये डंप हो सकता था। इसी के बेस पे डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी हेडक्वार्टर्स इनकी क़यादत में टीम यहाँ से पुलिस टीम्स गई, जिसको चिटियार जो हमारी चिंगस पुलिस पोस्ट है उसके भी इंचार्ज एमडी ने भी ज्वाइन किया, और ये सारी कार्रवाई जो है वो एडिशनल एसपी की सुपरविजन में हुई, जिसमें बड़ी मिकदार में जो है वो वहाँ से असला और एमिशन जो है वो बरामद किया। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाती है एंटी मिलिटेंसी फ्रंट पे, और क्या ये खदशा जताया जा रहा है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस डंप को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, चूँकि ये हाईवे के भी काफ़ी नज़दीक थी, और हम इस बात को बिल्कुल ही रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वेपन तो अगर लीगल होता तो किसी के हाथ में तो होना था, फौज या पुलिस का होता तो किसके हाथ में होना था, बट इलीगल वेपन का इस तरीके से और ये किसी भी एलिमेंट के हाथ में जाना, एक तो मिलिटेंट्स के हाथ में जाना तो होता ही है हमेशा, सिक्योरिटी वो को खतरा है हमारे देश की, सिविलियंस को या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये किसी ऐसे जो अनासर है समाज में कि जो इससे कोई भी फ़ायदा ले सकते थे, अपना जो अपने ज़्यादा फ़ायदा ले सकते थे, वैसा भी हो सकता था, और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए रहा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वेपन्स को वो सर्कुलेशन से आइसोलेट कर पाए हैं, और इसका साफ साफ मायने है कि कहीं ना कहीं अगर ये किसी नुकसान को करने के लिए यूज़ हो सकते थे, उस नुकसान को, बड़े नुकसान को होने से बचाया हुआ। सर, क्या ये पुराना दफनाया हुआ जानकारी मिली है? देखिए, इतना आपने भी शायद थोड़ा सर्वे किया होगा इसका, इतना पुराना भी नहीं लगता है, और चूँकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, आप सबको मालूम है मिलिटेंसी ग्रिड पे और जिस तरीके से एमोल्यूशन है, ये मुझे लगता है कि एक बार अगर इसको साफ किया जाएगा तो ये यूजेबल है, और इसी तरीके से ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। सर, क्या ये समझा जाएगा फिर से मिलिटेंट जो है रजौरी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ से फिर मिलिटेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं? ये तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे, लेकिन अटेम्प्ट्स तो हमेशा रही हैं कि रजौरी और पूंछ को भी दोबारा से एक्टिवेट किया जाए, और चूँकि हमारा बिल्कुल LOC पे 120 किलोमीटर का एरिया जो लाइन है हमारी LOC वो लगती है, और हमेशा अटेम्प्ट्स तो रहती हैं पाकिस्तान की साइड से कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो, या यहाँ से वेपन स्मगल हो के कश्मीर चला जाए, या यहाँ पे ही दोबारा से गतिविधियों को बढ़ाया जाए। बाहर से आके देखिए, एमोल्यूशन तो नेचुरली लगता तो यही है कि ये किसी न किसी वक्त में पार से ही आया है, LOC से ही आया है, बट ये चीज़ें कि कब ये आया है या वहाँ से आके यहाँ पे डंप किया है, ये इन्वेस्टिगेशन का ही मौजूद है, और ये इन्वेस्टिगेशन में ही साफ हो पाएगा कि ये कब और कहाँ से आया है।